मुरादाबाद चक्कर की मिलक में हुए अवैध निर्माण को लेकर सपा सांसद मिले जिलाधिकारी से। पीड़ितों को न्याय दिलाने की करी मांग, जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक स्थित रामगंगा किनारे प्रशासन की टीम ने हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें किसानों की काफी फसलों को भी नुकसान पहुंचा था। वहीं कई परिवार अवैध निर्माण ध्वस्त होने से बेघर हो गए, जिन्होंने सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन से इंसाफ दिलाने की मांग की। उसी संबंध में आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन पीड़ित परिवारों के साथ सिविल लाइन के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से ध्वस्त किए गए मकानों के संबंध में बात की और उन्हें मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग करी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर नोटिस दिए इन मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, उसमें जाँच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। देखिए, अभी चक्कर की मिलक के ऊपर गरीब लोगों के मकान को तोड़ दिया गया है, ये इंक्वायरी करे बगैर कि ये अवैध हैं या वैध हैं। कई बरसों से वो ज़मीनें दादे लाई ज़मीनें किसानों की थीं, जेडे में आती थीं और उनके बेनामे हैं, सबके रजिस्ट्री बाकायदा हैं, दाखिल खारिज हुए हुए हैं। रजिस्ट्री में भी ये चेक किया जाता है कि जो ज़मीन आदमी बेच रहा है वो अवैध तो नहीं है। सब कुछ होने के बाद बग़ैर किसी नोटिस के उन गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए। नोटिस देना हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चीज़ उजाड़नी है तो पहले नोटिस दें और नोटिस के बाद ही उसको तोड़ें ताकि उसका जवाब तो सुन लें। ये ऐसा लगता है कि हिटलर शाही चल रही है, गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है। जिन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी रोक कर अपना मकान बनाया था, गरीब आदमी कैसे कैसे करके 2-4 लाख रुपए इकट्ठे करके मकान बनाता है, उस पर भी बुलडोजर चलवा दिए गए, धान की फसल उजाड़ दी गई। तो हम इसी सिलसिले में मिले हैं ज़िला अधिकारी महोदय से कि इसकी निष्पक्ष ईमानदारी से जाँच हो और किसी अधिकारी को बचाने की कोशिश ना की जाए। अगर देखिए, हम अगर कोई अवैध है हम उसके लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर किसी वैध की ज़मीन को उजाड़ा जाता है या उसके मकान को उजाड़ा जाता है, उसके लिए हम सब लोग खड़े हैं। अगर उनकी भी गलत तरीके से उजाड़ दी गई है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी और बात की जाएगी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी। यकीनी तौर पर पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा हथियार है मेरे पास। अगर यहाँ पे सही से इंक्वायरी नहीं हुई और अधिकारियों को बचाने की बात हुई तो यकीनी तौर पर अगले सेशन में पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठेगा। देखिए, सरकार लोकतंत्र से बहुत दूर जा चुकी है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती। कोई आवाज़ उठाता है तो किस किस तरीके से उसको दबाया जाता है आप सभी को मालूम है। तो जी 70-80 घर हैं जो तोड़ दिए गए और फसल भी उजाड़ दी गई है जहाँ पे फसलें थी, दादे इलाही ज़मीनों में। डीएम साहब ने निष्पक्ष इंक्वायरी का आश्वासन दिया है। जाहिर है हर चीज़ की पहले इंक्वायरी होती है और मुझे डीएम साहब से पूरी उम्मीद है। उनका आचरण इसी तरह का है कि वो हमेशा इंसाफ करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। जाहिर है अगर ये चीज़ गलत तरीके से की गई है तो मुआवजा भी की भी मांग की जाएगी। 7-8 करोड़ का नुकसान हुआ है, अगर मुआवजा देने में इन्होंने कोई झिझक महसूस करी तो अदालत के दरवाजे हमारे पास खुले हुए हैं।